नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शुभम पारीख, आप देख रहे हैं टेक में। दोस्तों आज इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं बेस्ट वीपीएन फॉर एंड्रॉइड। तो वीपीएन क्या है, मैं आज उसके साथ वो भी डिस्कस करता हूं जल्दी टाइम वेस्ट नहीं करते हुए। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मेरे चैनल सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। और मैं आपको बताऊं तो वीपीएन क्या है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं तो आप यहां आप देख सकते हैं ये वाली पिक्चर जिसके भीतर हमारा डिवाइस है। हमारे डिवाइस के बाद यहां पे आप हमारी डेटा पास होती है इस लाइन से और हम इंटरनेट को सर्व करते हैं। तो ये आपको बताता हूँ कैसे होता है वीपीएन। समझ लीजिए हम ओपन कर लिए। ओपन करने के बाद वीपीएन क्या करता है, वीपीएन यहाँ पे ये जो टनल देख रहे हैं ग्रीन कलर का, ये क्रिएट करता है जिसकी मदद से हमारी डेटा एकदम सिक्योर हो जाती है। और सिक्योर होने का क्या क्या फ़ायदा है वो भी इसके भीतर हल्की झलक आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे नो हैकर्स, नो फायरवॉल्स, नो गवर्नमेंट, कोई भी हमें ट्रैक नहीं कर सकता। ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन इसके भीतर मिलता है और ये करना लीगल है। और वीपीएन हमें इस तरीके से हमें प्रोटेक्ट करता है हमारी डेटा को। तो चलिए बिना टाइम गवाए हमारे वीपीएन की एप्लीकेशन की तरफ बढ़ते हैं। तो कौन सा वीपीएन एप्लीकेशन हमें यूज़ करना चाहिए, तो बेस्ट वीपीएन एप्लीकेशन हमारे सामने हैं हमारी स्क्रीन में। ऑर्बिट जो कि टोर का दिया हुआ है, इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और साथ ही मैं इसके साथ आपको फीचर्स बताऊंगा। और उसको ओपन कर लिया मैंने। ओपन करने के बाद आपको कुछ इस टाइप की विंडोज़ आपको सामने आती है। विंडोज़ आने के बाद मैं आपको कुछ दिखाता हूँ। सामने ये जो बटन दिख रहा है इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। इसके ऊपर मैंने क्लिक कर दिया, स्टार्ट होने वाला है और ये येलो हो गया है और वोट इज स्टार्टिंग यहाँ पर लिखा है। और यहाँ पर आपको मिलने वाला है ऑटो, तो ये कुछ इस टाइप का आपको विंडो दिखेगा। तो मैं आपको साथ ही बताऊँगा इसका साथ प्रूफ भी दिखाऊंगा आपको इस वीपीएन से क्या क्या फ़ायदा होने वाला है और क्या क्या फ़ायदा है। और यहाँ पे आपको वीपीएन मोड है और यहाँ पे ग्लोबल ऑटो। तो फर्स्ट में वीपीएन मोड को आप ओपन कर लीजिए, ऑन कर लीजिए। ऑन करने के बाद यहाँ पे उसके उस तरफ ही ग्लोबल ऑटो है, इसके ऊपर भी आप क्लिक करें। और आप कहाँ से कोई भी कंट्री का चूज़ कर सकते हैं। आप समझ लीजिए मैं रसिया को चूज़ करता हूँ, रसिया को चूज़ कर लिया तो हमारा नेटवर्क रसिया से आ रहा है ये दिखाएगा। तो इसका भी मैं प्रूफ दिखाऊंगा। तो आगे आप मेरे वीडियो को पूरा देखिए, कोई भी स्किप मत कीजिए। और थोड़ा सा आपको चेंज लाना है कि जो ऊपर आपको दिख रहा है ये तीन डॉट्स, इसके ऊपर आपको क्लिक करना होगा। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप सेटिंग्स में जाएं और स्टार्ट ऑरबोर्ड यहाँ पे ना टिक रहेगा आपका, तो मैं इसको ऑफ़ कर देता हूँ। इसको ऑफ़ करने की वजह क्या है, आप जैसे ही ऑन करेंगे तो ये ऑन नहीं होगा। और इसकी मदद से आप यहाँ पे क्या लिखा है देखिए, ऑटोमेटिकली स्टार्ट ऑरबोर्ड एंड कनेक्ट और वेन योर एंड्रॉइड डिवाइस बूट्स। जैसे ही आप एंड्रॉइड डिवाइस ऑन करेंगे तो ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा। अगर आप इसके ऊपर टिक रखेंगे तो क्या होगा, ये ऑटोमेटिकली ऑन होगा और ये रैम के ऊपर ज़्यादा प्रेशर देगा जिसकी मदद से आपका डिवाइस हैंग होने के चांसेस हो जाएंगे, आपके रैम के ऊपर ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा, तो वो नहीं कर सकता। तो मैं इसके ऊपर टिक था वो अन टिक कर रहा हूँ, तो ये आपको करना है। उसके बाद आपको लैंग्वेज और इन सब का ऑप्शन आपको मिलता है, ये सब इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। तो सेटिंग्स में इतना ही। और मैं आपको इसको प्रूफ दिखाने वाला था, इंटरनेट आपको ऑन करना होगा तो ऊपर आपको कुछ इस टाइप का विंडो दिखेगा। इंटरनेट को मैंने ऑन कर लिया है, गूगल क्रोम ओपन कर लिया था हूँ। तो यहाँ पर मैं आपको रिफ्रेश करता हूँ गूगल को, तो मैंने चूज़ किया था रसिया, तो यहाँ पर मैं आपको रशियन लैंग्वेज दिखा सकता हूँ। तो यह यहाँ पे आपको दिख रहा है गूगल ऑफर्ड इन रशियन भाषा है यहाँ पे। तो इससे ही आपको पता चल रहा होगा कितना हाई एक्यूरेट वीपीएन आपको मिलता है यहाँ पे। तो इतना हाई एक्यूरेट वीपीएन, साथ ही मैं आपको कुछ और भी दिखा देता हूँ थोड़े से और झलक। यहाँ पे रशिया की जगह आप जापान चूज़ कर लें, जापान चूज़ कर लिया है मैंने। जापान चूज़ करने के बाद आप जाएँ गूगल ओपन करें, रिफ्रेश करें, यहाँ पर क्या हो क्या रहा है मैं आपको ये भी बताता हूँ। देखिए यहाँ पे जापानीज लैंग्वेज आ गई है, आप देख सकते हैं ये इतना हाई एक्यूरेट है वीपीएन। मुझे इसके ऊपर इतना भरोसा है कि आपको भी ये एप्लीकेशन लेना चाहिए और इसकी लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। और ये होता कैसे मैं आपको बताऊँ, वीपीएन दरअसल क्या करता है, हम जिस लोकेशन के ऊपर क्लिक करते हैं तो वो उस लोकेशन की तरफ से हमें हमारे डेटा को दिखाता है। जैसे कि समझ लीजिए मैं गूगल ओपन किया, तो गूगल को हमारी इंटरनेट ये बता रही है कि ये वीपीएन ये बता रहा है कि हम जापान से ये इंटरनेट चला रहे हैं। तो गूगल सोच रहा है कि हम जापान से बिलोंग करने वाले हैं, तो यहाँ पे गूगल अपने आप जापान से बिलोंग करने वाले यूज़र्स को जो दिखाता है वो हमें दिखा रहा है। तो इससे ही हमें यह पता चलता है कि ऑरबूट कितना यूज़फुल होने वाला है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। अगर आपको ये वीडियो से कोई भी फ़ायदा हो तो प्लीज़ ज़रूर लाइक का बटन दबाएं। और साथ ही मैं आपको इस वीडियो में प्रूफ भी दिखाया हूँ आपको ये वीपीएन क्यों यूज़ करना चाहिए, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल रही है। और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना भी मत भूलिए। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। जय हिंद भारत माता की।